हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पृथ्वी पर ठंडी और गर्मी कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक फिगर दिख रहा है। यहां पर ये पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती है। 23.5 अंश ये झुकी होती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ये 23.5 अंश का जो झुकाव होता है इसी पर ये गति करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सूरज है और यहाँ से पृथ्वी ये गति करती हुई जब इधर चलती है, देखिए यहाँ से इस तरह से जाती है और जहाँ जब ये पास में आती है तो यहाँ पर सूरज की किरणें 23.5 अंश इधर को झुकी होती है। तो इधर जो है सूरज की किरणें आ नहीं पाती हैं, तो इस तरफ क्या होती है ठंडी। इसलिए सूरज के नज़दीक होने पर, मतलब पृथ्वी जो है सूरज के जब नज़दीक होती है तो क्या होती है ठंडी होती है, क्योंकि सूरज की किरणें इस पर सीधा पड़ती नहीं है, यहाँ पर इस पर तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है ठंडी होती है। और 3 जनवरी को ही कहा जाता है, मतलब 3 जनवरी को ज़्यादातर ठंडी होती है और यहाँ पर इसको बोला जाता है उपसौर। और यही 23.5 अंश पर पृथ्वी झुकी होती है और ये अपनी तरफ गति करती हुई इधर जब आती है और यहाँ पर जब दूर होती है इससे, तो यहाँ पर देखिए 23.5 अंश झुकी होती है। तो यहाँ से इसकी किरणें क्या होती हैं इस पर सीधा पड़ती हैं, जिसकी वजह से दूर होने पर भी क्या होती है गर्मी होती है। तो दोस्तों, और 4 जुलाई को यहाँ पर एकदम पृथ्वी जो है सूरज के एकदम ठीक सामने होती है, जिसकी वजह से 4 जुलाई को ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों, और इसी को बोला जाता है अपसौर दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पृथ्वी है जो एक चक्कर जो पूरा करती है, इसका एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन का एक चक्कर दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।